संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव। मृतिका के परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। यूं तो दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध माना जाता है, लेकिन आम तौर पर दहेज की प्रथा बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिसके चलते न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को रोजाना मौत के मुंह में धकेला जाता है। हत्या का ऐसा ही एक मामला रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दहेज में 20,000 रुपए कम मिलने पर ससुरालियों ने एक मासूम जिंदगी को मौत के घाट उतार दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मामला रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के पीपला शिव नगर गाँव का है, जहां अब से 3 साल पहले पूर्णिमा की शादी मनोज के साथ हुई थी। परिजनों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से भरपूर दहेज दिया था, लेकिन दहेज के कुछ रुपयों में 20,000 रुपए देना रह गए थे, जिसको लेकर मनोज अपनी पत्नी पूर्णिमा के साथ समय समय पर झगड़ा करता था। कई बार परिजनों ने इस झगड़े को बातचीत करके सुलझा दिया, लेकिन रुपयों को लेकर दोनों पति पत्नी के अक्सर विवाद हो जाता था। बीती रात मनोज ने पूर्णिमा के परिजनों को फोन कर सूचना दी कि उसने कुछ खा लिया है और उसके मुंह से झाग आ रहे हैं, जिस पर परिजनों ने मनोज से पूर्णिमा को किसी डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही और फोन कट गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही मनोज ने फोन करके पूर्णिमा की मौत हो जाने की सूचना उनकी बहन नीतू को दी। जी, क्या नाम है आपका? नीतू मिश्रा। अच्छा, डेथ हुई है, कौन है और क्या? मेरी बहन है छोटी। क्या नाम था? पूर्णिमा दीक्षित। क्या हुआ इनके साथ? इनके हस्बैंड और इनकी सास ने उन्हें मार दिया। किस तरीके से, क्या बात थी? अब ये तो अभी नहीं पता चला है कि किस तरह से मार दिया, लेकिन मार दिया है ये, क्योंकि कल शाम तक उसकी बात होती रही, तब तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन 8:15 बजे फोन करके इन्होंने बताया कि उसकी तबीयत खराब है, उसके झाग मुँह से निकल रही है। तो जब उससे कहा, मनोज से कहा कि तुम उसे लेकर हॉस्पिटल जाओ, तो कहा कि गाड़ी नहीं है, गाड़ी आ जाए। फिर दोबारा फ़ोन करके हमने बताया कि भैया गाड़ी नहीं मिल रही है, तो फिर अपनी बाइक से लेकर जाओ किसी को लेकर। तो कहा कि गाँव का डॉक्टर है, पहले उसे दिखा लें। ऐसे ही टाइम बिताते बिताते 9:30 बज गए। 9:30 बजे इन्होंने मुझे बताया कि वो खत्म हो गई। अच्छा, तो कोई पहले भी विवाद हुआ था या कुछ? हाँ, पहले भी कई बार विवाद हुआ दहेज को लेकर। मेरे पापा ने जो दहेज देने के लिए कहा था, उसमें 20,000 रुपए नहीं बोते पाए थे, और उन्हीं रुपयों के लिए ये बार बार झगड़ा किया करते थे और मारपीट भी किया करते थे। क्या लगता है, उन पैसों को लेकर ही इन्होंने ये हत्या कर दी? हाँ, हो सकता है। ज्वेलरी भी मेन कारण है। वो लड़की के पास जो ज्वेलरी थी, ये अपनी कस्टडी में लेना चाहते थे, वो नहीं दे रही थी, हो सकता है इस वजह से मार दिया हो। घटना के संबंध में क्षेत्र अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह ने बताया, ये एक साझापुर की एक लड़की की शादी यहाँ पीपला श्रीनगर गांव में हुई थी, थाना मिलक के अंतर्गत लगता है। करीब 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, और उसमें जो है आज उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। उस संबंध में मौके पर जाके उसका शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और उनके मायके वालों ने जो मुकदमा की तहरीर दी है, उसमें 6 लोग ने अंगस्त किए हैं। मुकदमा कायम हो गया, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या क्या प्रथम दृष्टि क्या लगता है आपको? कुछ जहर खाने की बात प्रकाश में आई है। एक 1.5 साल का बच्चा भी है, और उसके संबंध में पोस्टमार्टम से सही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।